हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, जिसमें हम लोग नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन की स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग फिजन की बात कर चुके हैं, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और फ्रैगमेंटेशन नाम से ही पता लगता है कि फ्रैगमेंट में ब्रेक होना, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक होगा। तो इट टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जिनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो, ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज में ये होगा, सभी में नहीं होगा। जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोगों में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रख रहे हैं। तो जो लोअर ऑर्गेनिज है, जो शुरुआत में इवोल्यूशन में बने, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रख रहे हैं, उनमें ये मेथड मिलेगा फ्रेगमेंटेशन का। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप स्पायरोगायरा, जो कि एक एल्गी होता है, उस ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा स्पायरोगायरा। इन दिस मेथड पैरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मेच्यूरेशन, दीज पीसेस और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पैरेंट बॉडी मेच्योर होने पर ब्रेक हो जा रही है मोर आर मोर देन टू स्मॉलर पीसेस, दीज पीसेस आर फ्रेगमेंट्स ग्रो इन टू न्यू इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ इसका न्यूक्लियस दिखाया गया है स्पायरोगायरा में, सेप्टा है बीच में जो पार्टीशन कर रहा है दो सेल के बीच में। स्पायरल क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगायरा एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका सेप स्पायरल होता है, तो स्पायरल क्लोरोप्लास्ट यहाँ नेमिंग की गई है, और ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। दोनों फ्रेगमेंट अब नए इंडिविजुअल को बनाएंगे। नेक्स्ट आइए रिजनरेशन के बारे में बात करते हैं। रिजनरेशन फिर से कोई चीज़ जनरेट हो जाना, जैसे किसी ये कुछ इंडिविजुअल में देखा जाता है कि उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने लॉस्ट पार्ट बॉडी पार्ट को फिर से रिजनरेट कर लेते हैं। मेनी फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। उनको अगर उनका कोई बॉडी पार्ट कटता है तो उनसे नया इंडिविजुअल डेवलप हो जा रहा है, ऐसा भी देखा गया। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ कट आर ब्रोकन अप इंटू मेनी पीसेस। अगर किसी ऑर्गेनिज को आप ऐसे जिनमें रिजनरेशन पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रा है या प्लेनेरिया, इनको कई पीसेस में आप कट करेंगे तो हर एक पीस जो इनका होगा वो नया इंडिविजुअल बना देता है। मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इंटू सेपरेट इंडिविजुअल। यहाँ हर एक जो उसका पीस होगा वो नया इंडिविजुअल डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इंटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इंटू ए कम्प्लीट ऑर्गेनिज, दिस इज कॉल्ड रिजनरेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिजनरेशन। हाउ यर रिजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, ट्रू मेथड नहीं होता है, ये रिप्रोडक्शन का सेम नहीं है। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बींग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। और इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोडक्शन के लिए मीन्स यहाँ रिजनरेशन पर डिपेंड नहीं करते, रिजनरेशन के थ्रू उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे ह्यूमन बींग की बात करिए तो यहाँ पर हम लोगों में रिजनरेशन पावर है ही नहीं, कुछ अमाउंट में कुछ रिजनरेशन की पावर देखी गई लीवर में। लीवर अगर कट हो जाए तो वो फिर से रिजनरेट करता है, लेकिन हम लोगों में किसी पार्ट के कटने पर पूरी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो ये कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, रिजनरेटिव सेल्स, जो पाई जाती हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया में, वहाँ रिजनरेशन होता है। लिजार्ड के केस में आप देखिए, वहाँ पर भी रिजनरेशन सेल्स हैं, लेकिन वो केवल जो टेल उसकी टूटी है, टेल जो उसने जानबूझकर तोड़ा, या जब वो डराने के लिए, ऐसा उसमें नेचर ने दिया है कि डराने के लिए वो टेल को अपने पटक कर तोड़ देती है, तो उससे फिर नई टेल निकल आती है उस लिजार्ड में, और जो टेल टूट कर गिरी उससे नई लिजार्ड नहीं बन पाती है। तो ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मेथड लिजार्ड में भी नहीं होगा, रिप्रोडक्शन रिजनरेशन के थ्रू आप हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखते हैं। प्लेनेरिया में जो रिजनरेशन का ये डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, इसको आप जरूर तैयार करें। यहाँ देख रहे हैं पैरेंट बॉडी है, ये तीन पीस में, थ्री पीसेस में डिवाइड हो रही है, और ये थ्री पीसेस फिर अलग अलग नए इंडिविजुअल को डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग क्या है,
यहाँ पर स्मॉल आउटग्रोथ पैरेंट बॉडी में डेवलप होगी, जिसको हम लोग बड बोलेंगे। बड होता क्या है? स्मॉल आउटग्रोथ। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रिजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो यहाँ पर रिजनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं हाइड्रा में, जो कि माइटोसिस के थ्रू एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप करेगी पेरेंट बॉडी में। हाइड्रा बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, या माइटोसिस होगा एट वन स्पेसिफिक साइट। दीज बड्स डेवलप इन टू टाइनी इंडिविजुअल एंड वन फुल्ली मेच्योर। तो ये बड पहले छोटा सा एक इंडिविजुअल, छोटा हाइड्रा सा दिखेगा, और जैसे ही फुल्ली मेच्योर होगा, जैसे ही बड़ा होगा, ये डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और नया इंडिविजुअल डेवलप करेगा। इसका डायग्राम आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेन पेरेंट बॉडी है, इसमें छोटी सी यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, रिजनरेटिव सेल्स हैं यहाँ पे, और ये एक न्यू स्मॉल इंडिविजुअल दिख रहा है। जैसे ही मेच्योर होगा, अब यहाँ से ब्रेक होकर के नया हाइड्रा बनाएगा। यहाँ पर टेंटिकल को भी शो किया गया है, टेंटिकल की हेल्प से फूड कैप्चर करते हैं, लोकोमोशन में भी ये हेल्प करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आज आपने बडिंग तक यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।